दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित ब्लॉक 7459 में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, आज एक दूसरी जगह एक स्टेशन लेकर आए हैं। और ये स्टेशन देख रहे हैं दोस्तों, जय डुमरी जंक्शन। ये पहले हॉल्ट हुआ करता था दोस्तों, और अब जंक्शन बन गया है। तो इसी चीज़ की सारी इस स्टेशन का वीडियो हम अपडेट देने वाले हैं। और ये वीडियो हम इस स्टेशन का वीडियो 2 महीने पहले भी हम डाले थे, तो वहाँ पर कुछ काम बचा हुआ था और अब काम जो है कुछ होने गया है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में अपडेट देंगे। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पर जाकर जल्द से जल्द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दरअसल आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पटना से लेकर जय डुमरी जो स्टेशन है दोस्तों, जंक्शन जो बना है वो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये स्टेशन जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। और ये हॉल्ट स्टेशन बनने का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि पटना नेवरा से जय डुमरी से फजलचक होते हुए बिहार सिर्फ बड़बीघा के लिए जो नया स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा, तो ये एक नई पटरी का लाइन बिछाव हुआ है, जिसके कारण इस हॉल्ट से ये जंक्शन को तब्दील कर दिया गया है। तो पिछली वीडियो में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम फुट ओवर ब्रिज जो था वो नहीं बना था। तो देखिए, चलिए आपको लोगों को नज़दीक से दिखाते हैं। यहाँ फुट ओवर ब्रिज का जो काम जो है दोस्तों वो हो गया है। आइए नज़दीक से दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो फुट ओवर ब्रिज का जो काम था वो अभी नहीं हुआ था, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज का काम जो है वो बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वो 2-3 होगा, और एक जो है तीसरा वाला सीढ़ी जो देख रहे हैं वहाँ भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जाएगा। तो वहाँ दरअसल अभी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ ये भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फुट ओवर ब्रिज का जो सीढ़ी जो है, ये सब काम जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, नया अपडेट होगा। तो यहाँ सब ये सब छड़ लग गया, और छड़ देखिए, छड़ से नीचे जो है इसके द्वारा ये स्लोप इस तरह से यहाँ पर एक और सीढ़ी, 2 सीढ़ी इसमें जुटेगा। और जुटने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ऊपर से शेड भी लगेगा। अभी शेड नहीं लगा है। शेड लगने के बाद पूरी तरह से फिर इसके बाद रंग पेंट होने के बाद पूरी तरह से ये फुट ओवर ब्रिज जो है दोस्तों वो चालू हो जाएगा। तो जय डुमरी जंक्शन पे एक नया अपडेट ये मिला देखने के लिए दोस्तों। चलिए आगे भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है ये शेड लगने का काम जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी शेड जो है वो भी नहीं लगा है। तो धीरे धीरे तो काम चल रहा है दोस्तों। तो इस काम को भी यहाँ पर जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा, शेड लगाने का। और इधर देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 को बनाने के लिए बहुत सारे JCB मशीन, रोलर मशीन, सारा जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर काम जो है स्पीड में चल रहा है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं कि अभी हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद हम लोग 2 पर आ गए हैं, और 2 इधर 3 होने वाला है। तो यहाँ जो फुट ओवर ब्रिज का जो काम चल रहा है दोस्तों, जो ये एक स्लोप यहाँ भी गिरेगा। यहाँ देखिए कि छड़ बांधने का काम चल रहा है, और छड़ बांधने के बाद सीढ़ी जो बनेगा उस पर ढाल दिया जाएगा। सीढ़ी बाई सीढ़ी जैसे बनाया जाता है उस तरह का चढ़ने के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोपिंग का जो काम चल रहा है अभी छड़ बांधने का चल रहा है, और उधर जो था दोस्तों वो सीढ़ी बनकर रेडी हो गया है। तो उसमें अभी ढला बांधने का काम चल रहा है। और उधर भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो तीसरा प्लेटफॉर्म के लिए एक स्लोप जो बन रहा है, वहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो है सीढ़ी बनकर रेडी हो गया है, और ढाल कर भी तैयार कर दिया गया है। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पटरी जो देख रहे हैं, यही पटरी आपको बिहार शरीफ बड़बीघा शेखपुरा के लिए, नेवरा के लिए ये पटरी रेडी है। और तीसरा प्लेटफॉर्म भी देखिए दोस्तों कि वहाँ पर बनाया जा रहा है। चलिए हम आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो वहाँ छड़ बांधने का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइड जो तीसरा प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जा रहा है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो छड़ बांधने का काम चल रहा है, और छड़ बांधने के बाद उस पर ढलैया होता है और ये ढलैया वाला काम जो है वो चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि छड़ बांधने का काम चल रहा है, और यही दो प्लेटफॉर्म जो होगा दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म जो आपको शेखपुरा बरबीघा के लिए यहाँ पर ये ट्रेन इससे जाएगी। और आगे भी देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो थोड़ा टॉयलेट वायलेट बनने का काम जो है, वो बाथरूम का उसका छत जो है वो ढालने का काम चल रहा है, तो वो भी यहाँ पर अभी ये काम बचा हुआ था, तो ये काम हो रहा है। और इधर का जो पटरी है दोस्तों, ये आपको पटना गया का मेन लाइन है जो पटना से गया जाती है, और यहाँ स्टेशन जो है 16 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये जो है यहाँ पर है। और उधर देखिए शौचालय तो बनकर रेडी है, पीने का पानी भी बनकर रेडी है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जब तक ये प्लेटफॉर्म इधर 3 नंबर बनेगा नहीं, तब तक सेट लगेगा नहीं, तो अभी थोड़ा सा काम जो है लेट है। तो देख सकते हैं कि यहाँ बीच में ढालने उलने का काम जो है दोस्तों वो चल रहा है। चाहते हैं कि यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए सबसे पहले जो किनारे किनारे जो बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री को जो ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसको सबसे पहले वहाँ पर देखिए कि वो ढालने का काम चलेगा, और तब उसके बाद ये प्लेटफॉर्म को ऊँचा कर दिया जाएगा। तो ये सब काम जो है चल रहा है दोस्तों। और इसी लाइन से बता देना चाहते हैं दोस्तों कि स्टेशन पटना से नेवरा से चलकर जय डुमरी फजलचक होते हुए वो बरबीघा शेखपुरा तक के लिए ट्रेन जाएगी। और ये सारा जो है यहाँ पर स्टेशन जो है दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आती है, तो ये सब काम आप लोगों को इस जय डुमरी स्टेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम पूरे जय डुमरी स्टेशन का जो नया अपडेट हो रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 फुट ओवर ब्रिज, ये सारा जो काम हो रहा है हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दिए हैं। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोकेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।